केंद्र सरकार की ओर से बच्चों को लगने वाले मीजल रूबेला इंजेक्शन को लेकर आजकल लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि ये इंजेक्शन बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। खासतौर पर सोशल मीडिया पर लोगों को कई प्रकार के भ्रमित करने वाले संदेश आ रहे हैं। इसी गलत धारणा को तोड़ने के लिए डीसी पठानकोट नीलमा ने एक अनोखी पहल की। आज उन्होंने अपने बच्चों को खुद ये इंजेक्शन लगवाकर लोगों को अपने बच्चों को ये इंजेक्शन लगवाने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने कहा कि लोग बिना डर अपने बच्चों को ये इंजेक्शन लगवाएं। मैं बताना चाहूंगी कि हमारा कैंपेन जो शुरू हो चुका है उसमें हमने कुछ परसेंटेज कवर भी कर लिए हैं, 8-9% के आसपास में, पर अभी हमारा टारगेट काफ़ी बड़ा है। और ये बात सिर्फ टारगेट की नहीं है, ये बात है कि हम मिजल्स और रूबेला को जिस तरह से पोलियो को जड़ से ख़त्म करने का अभियान चला के ख़त्म किया है, उसी तरह से इन दोनों बीमारियों को, जिससे काफ़ी बच्चों की साल में करीबन 50-50 हज़ार दोनों बीमारियों में अलग अलग अगर देखा जाए तो इंडिया में मौत होती है, तो उससे बचाव और उसका संपूर्ण जो उन्मूलन होता है उसके लिए ये कैंपेन चल रहा है सरकार की तरफ से। आज हमने अपनी एमआर कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए हमारे डीसी में हमने अपने दोनों बच्चों को इम्यूनाइज करवाया है। ये एक बहुत ही अच्छा जो मैसेज है सारे पठानकोट शहर वासियों को तरफ, जो पेरेंट्स डरते हैं उनकी तरफ भी, कि अगर डीसी में हम अपने बच्चों को इम्यूनाइजेशन करवा सकते हैं तो हर पेरेंट का ये फर्ज बनता है कि वो खुद आगे आएँ और आके अपनी इम्यूनाइजेशन कराएं, क्योंकि सुरक्षित अगर हम भारत चाहते हैं तो उसके लिए और स्वस्थ भारत चाहते हैं तो उसके लिए हमारे बच्चे जो हैं उनका स्वस्थ होना बहुत जरूरी। जागती लहर के लिए पठानकोट से लवप्रीत सिंह की रिपोर्ट।